गर्मियाँ आ गई हैं और मार्केट में एकदम बढ़िया क्वालिटी का कटहल मिलने लग जाता है, तो आज हम बना रहे हैं स्वाद से भरी हुई एकदम शानदार कटहल की सब्जी जो कि नॉनवेज को भी फेल कर दे। तो चलिए ये अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अनी। कैसे हैं सारे फूडीज? यहाँ पे कटहल ले लिया है, ये मार्केट से ही कट करवाया है, पर तब भी थोड़ा सा इसमें हमको काम करना बाकी है। तो ऑयल लगा लेंगे हाथ पे और जो इसके बीज हैं वो निकाल लेंगे। बीज के पीछे एक थोड़ी सी परत होती है, कई बार वो कड़क हो जाती है तो वो मुंह में लग सकती है, इसलिए उसका निकाल देंगे और कटहल को छोटे पीसेस में हम कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ऑयल हाथ पे ज़रूर लगाइएगा क्योंकि कटहल चिपचिपा होता है। और जो बीज है वो निकाल लेंगे, उनके पीछे एक परत भी होती है वो भी निकाल लेंगे। अगर तो वो कड़क सी हो गई है तो निकाल लीजिएगा, अगर सॉफ्ट है तो रहने दीजिएगा। अब कटहल के अंदर तक फ्लेवर जा पाए उसके लिए हम पैन लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, साथ ही ये कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, एक तेज पत्ता, छोटा दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी काली इलायची। और जो हमारे कटहल है उन्हें धो के हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये खड़े मसाले ऐड करने से क्या होगा कि कटहल के अंदर तक फ्लेवर जाएगा और ये सब्जी एकदम नॉनवेज के फ्लेवर जैसी बनेगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको बॉईल कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बीच बीच में कवर कर लीजिएगा और मिक्स भी कर लीजिएगा। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारे कटहल बॉईल हो जाएंगे, उन्हें छान लेंगे। तो देखिए एकदम सॉफ्ट बने हैं ये, एकदम मुलायम और फ्लेवर से भरे हुए। तो आइए चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। कढ़ाई लेंगे और उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही इसमें एक तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, जीरा और थोड़ी सी हींग और एक हरी मिर्च। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन 6-7 कलियाँ ली हैं, उन्हें बारीक काट लिया है। अच्छे से लहसुन को मिक्स करेंगे। जैसे ही लहसुन का कच्चापन निकलेगा हम अपने प्याज ऐड कर देंगे। मीडियम साइज़ के प्याज हैं ये, चॉपर में चॉप कर लिए हैं। आप चाहे तो बारीक भी कट कर सकते हैं। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पका लेंगे। साथ ही यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे लच्छे में कट करके ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। जिस तरीके से आपको मैं बता रही हूँ बनाना, उसमें ऑयल बिल्कुल कम लगेगा, ना तो इसमें कोई डीप फ्राइंग है ना शैलो फ्राइंग है। तो एक हेल्दी ऑप्शन है ये कटहल का और स्वाद से भरा हुआ है। जैसे ही हमारी प्याज भुन जाएगी, हल्का कलर आ जाएगा, हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च जो किचन किंग मसाला लिया है, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 तरह के टमाटर लिए हैं, एक तो देसी टमाटर लिए हैं, देसी टमाटर में अपना रस बहुत होता है तो हमारे को पानी कम ऐड करना पड़ेगा। तो 2 देसी टमाटर चॉपर में चॉप कर लिए हैं। साथ ही यहाँ पे बॉम्बे टमाटर लिए हैं या फिर सलाद वाले टमाटर लिए हैं, उससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। ये भी 2 लिए हैं और इन्हें चॉपर में चॉप कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने टमाटर ऐड किए हैं तो हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके रख लेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सिम पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे कवर हटा के और हल्के हाथ से मैश कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कवर लगा कर रख लेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए हम रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं और ग्रेवी में आपस में इंग्रेडिएंट्स घुल मिल जाएं। तो देखिए हमारा ऑलमोस्ट ग्रेवी रेडी है। हल्के हाथ से इसको मैश करते जाना है। जो हमारा बॉईल किया हुआ कटहल है वो हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी ग्रेवी और कटहल आपस में मिल जाए। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बॉइलिंग वाटर ऐड किया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और अब इन्हें कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। कच्ची हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रहे हैं अमेजिंग फ्लेवर के लिए। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारी कटहल की सब्जी बनकर रेडी है, आइए इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसमें ना तो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया है, ना तो ज़्यादा तामझाम है, और ये एकदम सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। जब भी घर में कोई मेहमान आए तो हम ये कटहल की सब्ज़ी बना सकते हैं, या फिर लंच और डिनर में तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जब हमारा पार्टी करने का मन हो घर में छोटा सा कुछ, तो कटहल की सब्ज़ी एकदम शानदार ऑप्शन है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कम तेल में बनने वाली एकदम फ्लेवरफुल और स्वाद से भरी हुई कटहल की सब्ज़ी। तो आपको ये शानदार कटहल की सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद हनी। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।